हेलो एवरीवन, सो वी आर लाइव। और मैं लास्ट संडे लाइव नहीं हो पाया, शायद कुछ आप लोगों को लगा शायद केओ को एफिलिएशन मिल गया है WKF का, तो इसलिए सेंसाई पीछे हट गए। तो यहाँ पीछे हटने का तो सवाल नहीं उठता है, हम लोग यहाँ फाइट कर रहे हैं सही और गलत के बीच में। जो चीज़ सही है उसको दिखाया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, मेरा कहना यही है। और मैं आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट करता रहूँगा, आगे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यूनिटी बना के रखें। हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमारे को कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की एफिलिएशन है। ये एफिलिएशन जब तक ख़त्म नहीं होगी, आपको पता है ख़त्म नहीं होगी। कई लोग बोल रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगी जी ये एफिलिएशन, जी हम लोग लेटर डाल देंगे और ये हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो मैं अगर आपको बताऊं तो जो एक मिनट जरा मैं किसी का मैसेज देख रहा था, हाँ सो हियर इट इज़ यस। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि WKF का लेटर अभी तक बाहर नहीं आया। सबसे पहला नंबर, ये बाद में डिस्कस करेंगे क्यों नहीं आया बाहर, पर मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स प्लस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, हम काई, मैं काई को सपोर्ट कर रहा हूं और मैं हम बोलूंगा काई के लिए, हम सपोर्ट कर रहे हैं काई को और ये काई के साथ अभी भी है, बशर्ते हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड ठीक से आए। दैट मीन्स द फर्स्ट थिंग इज हमारे को इलेक्शन करना है और वो इलेक्शन करने के बाद हमें इनके पास डॉक्यूमेंट देने हैं। अभी भी अगर डीएफिलेट करा था, WKF ने डीएफिलेट करा था तो काई को एक लेटर लिखा गया था कि हम आपको डीएफिलेट करते हैं। ऐसा लेटर कोई भी मिनिस्ट्री से या IOA से हमारे को काई को नहीं मिला है। इसका मतलब साफ है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अभी भी हमारे साथ है। अगर नहीं होते तो वो दूसरी फेडरेशनों को जैसे लेटर मिला हमें भी लेटर मिल जाता। तो हमारे पास अभी तक ऐसा कोई लेटर नहीं आया, नंबर वन। इसका मतलब हमारी एफिलिएशन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से बरकरार है। नंबर टू, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उन्होंने एडोक कमेटी बनाई थी इलेक्शन करवाने के लिए, उसके बाद इलेक्शन हुआ नहीं, पर वो भी वेट कर रहे हैं कि आप इलेक्शन कराइए, आपको सपोर्ट हम देंगे। चलो अब हम बात करते हैं तीसरे लोगों को जो WKF के ऊपर ब्लाइंडली फेथ करके वो सोचते हैं कि जो WKF ने काई को दे दिया है एफिलिएशन, तो वो WKF वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है इंडिया का नाम, तो इसका मतलब तो हमें इसको दे देनी चाहिए एफिलिएशन, मतलब उसको सपोर्ट दे देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए सपोर्ट। देखिए लेटर आपने देखा, किसी ने लेटर नहीं देखा, मैंने भी लेटर नहीं देखा है। अगर मैंने लेटर देखा होता तो शायद मैं आपको बोलता कि जो आज कियो को मिल गई है एफिलिएशन और वो फुल फ्लेज मेंबर है और उसको आज सबको सपोर्ट करना चाहिए हम सबको मिलके। देखिए हम जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी फेडरेशन को सपोर्ट नहीं करते जब तक उसका पेपर वर्क ठीक नहीं होता है। देखिए हमारा पेपर वर्क काई का पूरा है, बस प्रॉब्लम ये थी कि हमारा इलेक्शन में प्रॉब्लम आ गई 2018 में, जिस टाइम हमें इलेक्शन कराया हमने उसको ठीक से अपडेट नहीं कराया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स में, प्लस जब जिन लोगों ने इलेक्शन कराया उन्होंने वो रूल फॉलो नहीं करे।
तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे को जो रूल फॉलो करने चाहिए थे वो नहीं करे, पर आज हम जो इलेक्शन कराने वाले हैं इकाई का वो रूल फॉलो करके कराएंगे। अब मैं दोबारा WKF की बात पे आ रहा हूं, मैं दोबारा से करना चाह रहा हूं उसकी बात। क्यों? क्योंकि आज बहुत बड़ा मोड़ पे खड़े हैं लोग, बहुत सारे चॉइसेस हैं। अरे हमें करना चाहिए सपोर्ट कियो को, नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला नंबर तो जो लोग एक टांग इधर भी फंसाए हैं, एक टांग इधर भी फंसाए हैं, तो वो खबरदार हो जाइए इस चीज से। देखिए, अगर आप अपने मौका परस्त ढूंढ रहे हैं कि मैं मौके की तलाश में हूं और मौका मिलेगा तो मैं उधर चला जाऊंगा या इधर चला जाऊंगा, देखिए ऐसा मत कीजिए। ना तो आपकी वैल्यू उधर रहेगी, ना आपकी वैल्यू इधर रहेगी। और अगर आप दोनों टांगों फंसाना चाहेंगे नाव में, तो आप रुक जाइए ना, रुक जाइए, मत कीजिए काई की सपोर्ट, मत कीजिए कियो की सपोर्ट, गलत मत कीजिए। क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो आगे जो बच्चे हैं और आगे कोच हैं और उन सबको कोई भी सपोर्ट नहीं है, वो लोग सबका जो मनोबल है वो टूट जाएगा। मैं सारे कोचेस से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप सोचते हो कि मैं दो में दोबारा से दो कश्ती में सवार हो जाऊं, तो इंतजार कर लो ना, जो डूब जाएगी उसमें से छलांग मार के वो दूसरी में चढ़ जाना, कोई बात नहीं, या जो जो चल रही है उसके अंदर चले जाना। पर आप दोनों कश्तियों डुबो दोगे। कभी अपनी अपने भी तो अपने आप के बारे में भी तो सोचिए कि मैं क्या जवाब दूंगा लोगों को या बच्चों को जो मैं जिनको मैं सिखा रहा हूं। क्या कराटे में एथिक्स ऐसा है? कराटे एथिक्स तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। तो कराटे के एथिक्स के हिसाब से चलिए, जो आपको वॉर ग्राउंड मिला है उस वॉर ग्राउंड पे आप लड़ाई कीजिए। अगर आप काई के साथ है, काई के साथ लड़ाई कीजिए, कियो के साथ है, कियो में लड़ाई कीजिए। हम आपके अगेंस्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि काई और कियो वाले एक दूसरे का खून कर देंगे। हम खून नहीं कर रहे हैं एक दूसरे का, हम ये दिखाना चाह रहे हैं सही क्या है, गलत क्या है, और सिस्टम को सही करके चलाना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था WKF के दोबारा लेटर की बात आ जाते हैं कि वो लेटर आया क्यों नहीं बाहर, दैट्स अ मिस्ट्री। WKF का लेटर बाहर आने के लिए क्या प्रॉब्लम है, क्या है इसके अंदर, सोचें जरा, आप भी सोचिए। WKF की वेबसाइट में हम लिस्ट हो गए इंडिया, बड़ा प्राउड फील करते हैं सब, हम भी प्राउड फील कर रहे हैं, चलो इंडिया कहीं ना कहीं दोबारा तो आया, पर उसका लेटर कहाँ है? कोई भी अपनी वेबसाइट में किसी को भी मेंबर बनाएगा, सर्टिफिकेट देगा, सिर्फ वेबसाइट पे नहीं डालेगा। सो इसका मतलब लेटर आया है, लेटर ईमेल में आया है, पर वो लेटर बाहर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है लेटर बाहर? इसलिए नहीं आया क्योंकि टेम्परेरी मेंबरशिप दी गई है कियो को, कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि जो काई है, काई को हमें, जो कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसको कांग्रेस में बुलाया जाएगा, WKF कांग्रेस में बुलाया जाएगा। हम जाएंगे, इलेक्शन कराएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एफिलिएशन लेंगे, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स जो होगा वो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, और ये रिप्रेजेंटेटिव दोनों उस डॉक्यूमेंट्स पे साइन करेंगे। और जब हमारा इलेक्शन होगा, विद पूरा फुल इलेक्टोरल कॉलेज बन चुका है इलेक्शन के लिए, बस अब ज़्यादा देर नहीं है, विद इन अ मंथ मुझे लगता है इलेक्शन हो जाना चाहिए, और वो इलेक्शन की सारी प्रोसीडिंग, सारी चीज विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंप्स, विद कोर्ट की स्टैंप्स, इट विल बी गोइंग टू WKF, ये WKF को दिया जाएगा। क्योंकि WKF का रूल है कि बगैर काई को बिना बुलाए आप हमें डीएफिलेट परमानेंटली नहीं कर सकते। काई अभी तक टेम्परेरी डीएफिलेट हुआ है, टेम्परेरी मतलब समझते हैं, टेम्परेरी मतलब उसको परमानेंट डीएफिलेशन नहीं दी है काई को, कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। तो अभी कियो को एफिलिएशन इसलिए दी गई है, या तो अभी जो ओलंपिक्स आने वाला है उसके लिए हमारे को जो खिलाड़ियों को कुछ क्वालिफिकेशन है उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑफ कोर्स कोई फेडरेशन नहीं है तो हमें इंडियन फ्लैग के साथ खेलना है, ना कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के फ्लैग के साथ खेलेंगे। तो देखो, अगर कोई हमारा कोई भी क्वालिफाई होता है तो हो सकता है किसी को रिप्रेजेंट करना हो इंटरनेशनली, और ओलंपिक्स आ रहा है उसके लिए हमारे को कुछ ना कुछ तो नॉमिनेशन चाहिए था इंडिया से। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री एंड कांट बी इग्नोर्ड, और हमें एफिलिएशन के लिए फाइनली कांग्रेस में बुलाया जाएगा फिजिकली विद आवर डॉक्यूमेंटेशन, काई के इलेक्शन के डॉक्यूमेंट, काई के स्टेट के डॉक्यूमेंट,
और काई सारी काई के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट है वो हमें जमा कराने हैं जाके वर्ल्ड कराटे फेडरेशन को। और उसमें WKF की अभी जो जिन्होंने दिया है एफिलिएशन, एग्जीक्यूटिव कमिटी है, उसमें 7-8 मेंबर हैं जितने भी हैं, मुझे पता नहीं, हो सकता है 7 या 8 मेंबर होंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी। और जब कांग्रेस होगी तो वहां पर 200 मेंबर होंगे। तो आपको क्या लगता है वो 200 मेंबर ये साफ साफ देख नहीं सकते कि कियो को बनाने की जरूरत नहीं थी? क्यों थी जरूरत? ये कियो बनाई गई है कि कराटे को कंट्रोल करा जा सके इंडिया में बाय ओनली 1 पर्सन। मैं चाहता हूं कि सबको बुलाया जाए, सबके साथ मिलके कराया जाए, और सारे लोग यही चाहते हैं कि कियो इज अ पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी नॉट कियो, काई, काई इज अ डेमोक्रेटिक एसोसिएशन। इसको सबको सपोर्ट करना चाहिए और सब मिलजुल कर उसमें आएंगे। और आज तक बैलेट पेपर नहीं डला, पेपर से इलेक्शन नहीं हुआ, सबके हाथ खड़े करवा के इलेक्शन कराया गया। तो मैं चाहता हूँ वो इलेक्शन फेयर हो और जो आए वो भी फेयरली आए, जो भी सामने प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी। मेरी बात हुई आज लिखा तारा जी से, उनका मैसेज यही था कि मुझे नहीं चाहिए प्रेसिडेंट की पोजीशन, ही इज रेडी टू गिव अप। ही सेज आई वांट अ फेयर इलेक्शन, आई वांट इंडिपेंडेंट कराटे ऑर्गेनाइजेशन। अभी इंडिपेंडेंट कराटे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अभी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी कंट्रोल्ड है एक या दो बंदे के हाथ में कंट्रोल्ड है, आप उसके अंदर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो लेटर नहीं आया, लेटर बाहर नहीं आएगा भी, मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी प्लेयर्स हैं परेशान हो रहे हैं, जितने भी कोच हैं, मैं आपको बता रहता हूँ लेटर आपको बाहर नहीं आएगा। और लेटर बाहर भी आया तो जब आएगा, जब कियो परमानेंट मेंबर बन जाएगा, क्योंकि अभी के लेटर में क्लॉजेज हैं कि आपको टेम्परेरी मेंबरशिप दी जा रही है और सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द WKF कांग्रेस टू बी हेल्ड इन 2021 में जब भी होगी। पर उससे पहले हम लोग रिकॉर्ड में हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के, और जब तक WKF की कांग्रेस में हमारे को परमानेंटली निकाला नहीं जाता तब तक काई मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से रिकॉग्नाइज रहेगी, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो इसलिए कोई भी भटके नहीं प्लीज, अगर आपको लगता है कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो भाई पहला कियो काई में रहो, कियो को जब मिनिस्ट्री दे देगी कोई बात नहीं, सब जाएंगे वहां पर जाना पड़ेगा। और अगर कोई मुझे यहां पर बैठ के मुझे बोल दे कि अरे यशपाल को नहीं लेंगे या इसको नहीं लेंगे, व्हेन इट इज अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज माय राइट, इट इज माय चिल्ड्रंस राइट, माय स्टूडेंट्स राइट टू प्ले फॉर इट, टू प्ले फॉर इंडिया। कोई माइकल आल अगर रोक सकता हो तो तब रोक भी लेगा, रोक के दिखाए, मैं दिखाऊंगा कि हम क्या चीज है। क्योंकि एक नेशनल फेडरेशन, राष्ट्रीय फेडरेशन, राष्ट्रीय खेल संघ, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है ये है देश की प्रॉपर्टी और देश की सेवा है ये। और अगर आप देश की सेवा नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए, आप कोचों को डराइए मत कि तुम अभी आ जाओ बाद में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अभी आओ चाहे बाद में आओ, जो राष्ट्रीय, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से रिकॉग्नाइज हो गई, वो उसके जो रूल्स हैं मिनिस्ट्री के उसके दायरे में आएगी, और खिलाड़ी जो हैं उनकी बात प्रायोरिटी पे सुनी जाएगी। सो कोई घबराने की जरूरत नहीं है कोचेस, आपको घबराया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि घबरा जाओ जी, हम बाद में नहीं लेंगे। आपको क्यों नहीं लेंगे? बाद में लेके दिखाएंगे, हम जाएंगे और आके दिखाएंगे, आप चाहे जो मर्जी कीजिए। पर अभी हम लोग काई की बात करते हैं। काई में हम अभी पूरे फुल, मैं बोलता हूं हमारे पास पूरे 100% पावर है अभी भी। हम लोग अभी इलेक्शन कराएंगे और उसके साथ WKF में वो इलेक्शन के पेपर्स जाएंगे, और फिर देखते हैं कि WKF में काई आएगी या केओ आएगी। और हम दावा करेंगे कि काई ही आएगी, हमारा दावा है, और काई को ही एफिलिएशन देनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो 200 और देश हैं जो उन्होंने अप्रूव करना है, ना कि 6-7 लोगों ने, जो टेक्निकल कमीशन है जो 1-2 लोगों के इशारे पे चल रही है वो नहीं करेगी। हमारे एंटोनियो एस्पिनोस जो कि WKF के प्रेसिडेंट हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे फेडरेशन के जो लोग हैं, तो वो मित्रता तो मित्रता ही है, पर प्रोफेशनलिज्म है, जहां पर सही होगा सही का ही साथ देना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए आगे पोस्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिकली चलनी चाहिए। सो दोस्तों मैं ये आपको बताना चाह रहा था,
मैं देख रहा हूँ कि अभी आपके कमेंट्स क्या आ रहे हैं। कई लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे कि अरे सर ये नहीं ऐसे नहीं, हम लोग तो जीत गए, आप जीत गए, कियो जीत कैसे जाएगा, आप बोलते हो आप जीत गए, आपको लगता है आप जीत गए, तो हम बोलते हैं हम जीत गए, आप करके दिखाओ, आप आगे का काम करके दिखाओ, मिनिस्ट्री से लेके दिखा दो। मिनिस्ट्री से लेने के लिए एफिलिएशन आपको 3 साल लगेंगे सर, और मैं शुरू से ये बोल रहा था कि आपको अगर ये 3 साल, ये जो 3 साल आप बोल रहे हैं ना मिनिस्ट्री से एफिलिएशन ले लेंगे, ये 3 साल इन प्लेयरों को वापस कौन देगा, मुझे ये बताइए। बस मैं इसीलिए लड़ रहा हूँ, मैं इसीलिए नहीं लड़ रहा कि WKF की एफिलिएशन गई या की आई है, मैं चाहता हूँ पहला नंबर फेयर और खिलाड़ियों के लिए हो, जो भी हो। खिलाड़ियों के लिए कोई नहीं सोच रहा है, सारे अपनी पोस्टें लेने के सोच रहे हैं, कोई स्टेट पलट रहा है, कभी काई की तरफ जा रहा है, कभी कियो की तरफ जा रहा है, फिर काई की तरफ आता है, फिर कियो की तरफ जाता है। तो ये जितने आप पलट रहे हैं वो क्या क्या दर्शाता है ये मुझे पता नहीं। आप लोग अच्छे से पहचानते हैं कि जितना भी अभी चल रहा है, आप देखिए कितने लोग आपको निंदा कर रहे हैं, जो लोग राइट लेफ्ट हो रहे हैं, जो लोग उसी में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो प्लीज एवरीवन सेंसिबली सोचिए, और अच्छा मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ने लग कोशिश कर रहा हूँ अभी, तो सबको मैं चाहता हूँ कि भाई देखिए, अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो देश के लिए तो प्लीज़ कीजिए। और हम तो खिलाड़ी थे तब भी लड़ लेते थे, और आज कोच हैं तो अब भी लड़ रहे हैं, पर जो भी कोच है मुझे पता है तुम्हारे पास जो आपका अपना कोचेस का अपना बड़ा स्टैंड है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो कोच है, छोटे कोच चाहे बड़ा कोच, चाहे कोई भी कोच हो, आप कोच है ना, अगर आप कोच हैं कराटे के, तो मैं आपको बोलता हूँ आपका स्टैंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी समझ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें वही चाहिए समझ और सोच। क्योंकि आप 50 प्लेयरों को समझा पाओगे, पर आप खुद अगर भटक गए तो आपको कोई कैसे समझाए। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, देखिए प्रेजेंट सिचुएशन आपने देख ली है, कल वो WKF में जाएंगे कि KIO, आप मुझे बताइए WKF में KIO जाएगा तो KIO ने ना तो अभी तक नेशनल चैंपियनशिप कराई, एक दो सेमिनार ऑनलाइन हो रहे हैं और एक दो और इवेंट करा लेंगे, पर वो काई की काई में जितना अचीवमेंट है 2013 से लेके 2020 तक उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता, इतना कुछ हुआ है काई में उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता। अब आप बोलेंगे अरे सिंसाई पहले आप निंदा करते हो फिर आप उसकी तारीफ भी करते हो, बिल्कुल मैं तारीफ अच्छे काम की भी करूंगा, और जो गलत हो रहा है गलत तो आपने देख ही लिया कितना हो रहा है। तो अब हमारा ये फर्ज बनता है कि कराटे सबका है, कराटे सबका है, सब सुनिए, ये कराटे सबका है, मेरा अकेले का नहीं, किसी और का नहीं अकेले का, ना कोई भी इसको संभाल सकेगा अकेला। देश के अंदर 130 करोड़ से लेके मैं बोलता हूं चलो 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ जनता देश में, उसका कराटे का मालिक है कि या पूरे इंडिया का? शर्म करो यार, शर्म करो, हम लोग सारे वॉरियर क्लास हैं, हम सारे अच्छे कोच हैं, क्या आप ये सोचते हो कि 130 करोड़ में एक डिक्टेटरशिप चलेगी? सबको मिला के चल सकते हैं हम, सब भी डिसीजन ले सकते हैं, हमारे अंदर क्या कमी है सब। सो प्लीज एवरीवन, जो कोच हैं और जो प्लेयर हैं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा ऑफिशियल, ऊपर जितने भी हैं, कोई लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मेरे स्टेट, कोई मेरा स्टेट, कोई मैं ये, मैं कोई मैं इस ग्रुप में, मैं उस ग्रुप में, छोड़ दिए ये, छोड़ दीजिए ये जितने भी ग्रुपबाजी गुटबाजी है, मिल जाइए, एक कीजिए और फिर देखिए हम कैसे परास्त करते हैं लोगों को। सब एक रहेंगे, कसम खा लीजिए, सब एक रहेंगे और एक ही रहेंगे आगे। बहुत बड़ा रास्ता है अभी 2021 में, जब WKF की कांग्रेस होगी तो हम मिलके जाएंगे वहां पर प्रूफ करने के लिए कि ये रहा काई और ये आज भी जिंदा है, इसको खत्म नहीं होने देंगे। अगर आप लड़ पड़े इसमें तो ये खत्म हो जाएगी, हमें नहीं लड़ना है। बस ये आज मेरा छोटा सा मैसेज था, ये 20 मिनट आपको सब समझ में आ गया होगा करंट सिनेरियो, और काई खत्म नहीं है दोस्तों, काई खत्म नहीं है, बस कियो अभी WKF से एफिलिएशन लेके आई है, पर काई खत्म नहीं हो गई है, हमें जाना है। ये हमें पता था WKF से आएगा, कियो को लेटर आ जाएगा, पर हमारे को क्या करना है, इलेक्शन कराना है और डॉक्यूमेंट देने हैं, बस दैट्स इट।
फिर देखेंगे इसमें कितना दम है और हम चलेंगे आगे। और दैट्स इट, मैं इतना ही कहना चाहता था। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे सर, थैंक यू। और अब मैं पढ़ता हूँ थोड़े बहुत कमेंट्स भी, सो लेट्स सी। यूनिवर्सिटी गेम में कराटे अभी है या नहीं? प्रतीक भारद्वाज, यस अभी है यूनिवर्सिटी गेम में। जय बघेल सर, अच्छा जय बघेल सर भी कुछ बोल रहे हैं। एसोसिएशन प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का पता नहीं क्यों लेफ्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ ये देखिए, ये सब पॉलिटिकल वॉर है। देखिए, अगर एसोसिएशन, स्टेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है और स्टेट एसोसिएशन का ही जनरल सेक्रेटरी है, अब वो दोनों पलटेंगे क्योंकि उनको अपनी पोस्ट बचानी है। अरे इतने लालची क्यों हो तुम सारे, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। कभी राइट में पलटते हो, कभी लेफ्ट में पलटते हो। अब लालच के आगे, देश के प्रेम के आगे आप अपना लालच ला देते हो कि मेरी पोस्ट हट जाएगी, मेरी एसोसिएशन को डीएफिलेट कर देंगे। और दूसरी पार्टी तो ये भी है, धमकी देती है, अरे तुम अभी आ जाओ नहीं तो बाद में तुम्हारी जगह नहीं मिलेगी, दूसरी बनने वाली है। अरे बनती है, बनने दो दूसरी, तुम्हारा पूरा नाम है उसके अंदर, पूरा सब कुछ है उसके अंदर, आप बनती है बनने दो दूसरी एसोसिएशन, हम देश के लिए करेंगे कुछ। करेंगे तो देश के लिए क्या करेंगे? ब्रिंग अ चेंज। आप एक छोटा, मैं एक छोटा इंसान हूं, मैं सच बता रहा हूं मैं आपको, मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हूं, मैं एक छोटा सा बंदा हूं। आज मैं आता हूं यहां पर, सिर्फ एक छोटा सा रेवोल्यूशन चलाया मैंने कि मैं फेसबुक पे लाइव आऊंगा और मैं इनके लिए बोलूंगा, और मैं प्लेयर्स के लिए बोलूंगा, कोचिस के लिए बोलूंगा। देखिए स्टेट एसोसिएशन के ना जनरल सेक्रेटरी को कुछ प्रेसिडेंट उसको पड़ रहा है फर्क, ना प्रेसिडेंट को पड़ रहा है फर्क, दोनों को फर्क नहीं पड़ रहा है। पड़ रहा है फर्क नीचे प्लेयर्स को, क्योंकि स्टेट के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट की बात करूं, वो उनके बैंक अकाउंट हैं अपने स्टेट के, बनाया हुआ है, उनको कहीं ट्रैवल करना है तो स्टेट एसोसिएशन के खर्चे पे चला देते हैं, उनको कहीं जाना है, कहीं खर्चा निकालना है, वो उस पे स्टेशनरी के ऊपर बिल बना दिया, ज्यादा हो गया। दे आर ऑलरेडी अर्निंग। ट्रेजरर का कुछ पता नहीं है, ट्रेजरर भी मेरा रिश्तेदारी बनाऊंगा मैं, अगर बना रहा हूं ना कोई स्टेट एसोसिएशन तो स्टेट एसोसिएशन में ट्रेजरर भी मेरा रिश्तेदार है, प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी भी मैं ही आसपास में बनाता हूं ताकि मेरा फाइनेंसेस पूरे कंट्रोल रहे। अरे उनके पेट भरे हुए हैं पहले से, और मैं बताऊंगा इनमें से कुछ अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सबकी मैं बात कर रहा हूं, कुछ अच्छे हैं जो सच में प्लेयर्स के लिए सोचते हैं, प्लेयर्स को फ्री में नेशनल खिलवाते हैं। मैंने बात करता रहता हूं उनसे और उनके लिए सल्यूट है, उनको पता है मैं किनसे बात करता हूं। थैंक यू सो मच सर, यू आर एक्चुअली डूइंग वेरी नाइस। सो मैं आप लोगों को बोलता हूं, स्टेट एसोसिएशन और जनरल सेक्रेटरी को कुछ नहीं है, उनको अगर 50 लाख रुपए भी दे दो यार, 10 लाख 5 लाख भी दे दो, उनको बोलो चलो आप काई को सपोर्ट नहीं करना, आप उधर आ जाओ, या हम बोल दें नहीं उधर नहीं जाना, इधर आ जाओ, पैसे दो, देखो अभी पलटेंगे। दिस इज ऑल मनी, मनी स्पीक्स। अब आप पैसे की बात छोड़ दो, धमका ही दो, पैसे नहीं ले, चलो कोई ईमानदार है उनको धमका दिया जाता है, ए हम WKF से हो गए, या हम मिनिस्ट्री वाले हैं, हमारा मिनिस्ट्री से एफिलिएशन है, तो आप छोड़ दो इसको, तो वो छोड़ देंगे क्योंकि डरते हैं। अरे इतना डरते हो, इतना पॉलिटिक्स करके ऊपर आए हो, क्या इससे ऊपर पॉलिटिक्स करके नहीं पहुंच सकते? सो यू हैव टू थिंक ओवर दिस, बार बार इसके बारे में सोचिए और देखिए क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, देश के लिए करना है। आप ये मत सोचिए कि मैं अपने लिए करूंगा या मैं अपने स्टेट के लिए कर रहा हूं, मेरा स्टेट कुछ नहीं है, मेरी अकेडमी कुछ नहीं है, आप कर रहे हो ये देश के लिए। सो प्लीज ये ध्यान रखना। हाँ टिप्पी नागर, थैंक यू। सो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपको हमेशा, जो भी है मेरी बात सुन रहा है, आपको देश के लिए लड़ना है, आपको कराटे के लिए लड़ना है, और बाकी सब चीजें भूल जाइए। मेरा स्टाइल, मेरा स्टेट का ये, मेरा बच्चा, मेरा ये क्या करेगा, ये देश सेवा है। अगर आप देश सेवा नहीं कर सकते हो, ना तो उन लोगों को प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी या किसी पोस्ट पे बैठाने की जरूरत है। अगली बार अगर अब आपके स्टेट में ये हो रहा है, अगली बार आप जाइए स्टेट एसोसिएशन में, ईमानदार लोग हैं, बनिए स्टेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, करिए एंट्री, दम है तो करिए एंट्री, और हम बन के दिखाएंगे उसके बाद
आप फिर कंट्रोल कीजिए, आप टॉप लेवल तक कंट्रोल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, और क्रिस्प रखना चाहता था मैं ताकि मैं ज्यादा बोर ना कर पाऊं। थैंक यू सो मच जितने लोग आप मेरे कमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप ही मेरी पावर हैं जो कि सुन रहे हैं। आगे आप मेरी बात को प्लीज शेयर जरूर कीजिए, अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो ये बात आगे तक नहीं जाएगी, और ये बहुत जरूरी बात है कि लोगों को पता चले WKF का लेटर क्यों नहीं बाहर आया। सो ये आज का टॉपिक था, थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद।